कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव न करें, उनकी देखभाल करें। बार बार कहा जा रहा है कि बीमारी से लड़िए, बीमार से नहीं। लेकिन बीमार तो छोड़िए, यहाँ तो एक अदद बैग से नफरत की जा रही है। गगनचुंबी इमारतों वाली ग्रेटर नोएडा सिटी की एक सोसाइटी के एक फ्लोर के एक कोने में पड़ा ये बैग नफरत का केंद्र बन गया है। उसे अछूत करार दिया गया है। पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी में इस बैग को न कोई छूने को तैयार है, न कोई इसे ले जाने को तैयार है, और जो ले जाना चाहते हैं उसे भी ले जाने देने के लिए तैयार नहीं है। वजह सिर्फ इतनी कि बैग में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का सामान है। मरीज की पत्नी गुहार लगाती रही, लेकिन घंटों मदद के लिए हाथ नहीं बढ़े। सिर्फ उसका सामान, उसकी जूते, चप्पलें, कपड़े, टूथब्रश, मोबाइल चार्जर, ऐसे जरूरी सामान को ले जाने के लिए जो बैग उसकी पत्नी ने तैयार किया, उसको ये कहकर मना कर दिया गया कि आप तो बाहर मत निकलिए क्योंकि आप उनके संपर्क में रही हैं। इस बैग को हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे हमें कोरोना हो सकता है। पुकार लगाती इस महिला का पति कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसे उसके दफ्तर से ही अस्पताल ले जाया गया। उसके पास न तो कपड़े थे और न ही दूसरे जरूरी सामान। पत्नी ने उसके सारे सामान एक बैग और एक सूटकेस में पैक कर दिए। वो खुद अस्पताल जाकर बैग पहुंचा नहीं सकती थी क्योंकि पति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वो अपने दो बच्चों के साथ घर पर ही क्वारंटीन थी। मेरे हस्बैंड कल कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं जेपी हॉस्पिटल में। वहां से उन्हें GIMS गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस से पिक कर लिया था, जिसमें कि उनके पास कोई चार्जर और कोई बेसिक ऐसे मतलब चीजें नहीं थी। तो मैं कल से उनको ट्राई कर रही हूँ कि मैं कैसे उनको ये चीजें मतलब पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे 14 डेज के लिए दो बच्चों के साथ में क्वारंटीन किया गया है। इस महिला ने अपने पति तक बैग पहुंचाने के लिए सोसाइटी के मेंटेनेंस वालों से मदद मांगी। मदद तो नहीं मिली बल्कि धुतकार दिया गया। पुलिस से मदद मांगी लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। मैंने मेन गेट पे पुलिस है उसको कॉल किया था, मुझे उसने मना कर दिया। मैंने जो मेरी सोसाइटी में जिसमें मैं रहती हूँ साया जियान, उसमें मेंटेनेंस वालों को कॉल किया, मुझे उन लोगों ने मना कर दिया। बोल रहे हैं अपने किसी रिलेटिव को बोलो कि सारा सामान नया खरीद करके मेरे हस्बैंड तक पहुंचा दें, तुम्हारे से घर से हम कुछ नहीं मतलब सामान उनको पहुंचा पाएंगे। जब एक पत्नी की पुकार अनसुनी हो गई, तब उसने थक हार कर उसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी जिम्स अस्पताल से गुहार लगाई जहां उनके पति भर्ती थे। इस महिला की गुजारिश पर आखिरकार अस्पताल ने बैग लाने के लिए सोसाइटी में अपनी एम्बुलेंस भेज दी। कोरोना के मामले में आपके फोन पर भी लगातार संदेश आते होंगे कि बीमारी से लड़िए, बीमार से नहीं। लेकिन हम जो तस्वीर ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी के बाहर से आपको दिखा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी। यहाँ एक एम्बुलेंस आई है और आप ये सोचिए ये एम्बुलेंस किसी मरीज को ना लेने आई है ना ही किसी मरीज को छोड़ने आई है। ये जो एम्बुलेंस आई है ये इस सोसाइटी से सिर्फ एक बैग कलेक्ट करने आई है। एम्बुलेंस का स्टाफ मरीज के फ्लैट पर गया और वहां बाहर रखी बैग को उठा कर नीचे लाया। इस दौरान भी सोसाइटी के मेंटेनेंस या सिक्योरिटी वालों ने कोई मदद नहीं की। ये हम आपको दिखाते हैं इस एम्बुलेंस में, अब ये बैग जा रहा है, ये देखिए, आपको ये सबूत भी दिखा देते हैं कि एक बैग का सफर कितना ऐतिहासिक हो गया कि एक सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस भेजनी पड़ी उसकी उसके लिए, क्योंकि सोसाइटी के लोगों ने इतनी जहमत तक नहीं उठाई कि इस बैग को अस्पताल तक पहुंचा दें जहां एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भर्ती है और उसकी मदद कर दी जाए। कोरोना के संकट काल में जब मरीजों को लाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ रही हैं, तब एक बैग लाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। लेकिन क्या करें, जब पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी ने ही हाथ खड़े कर दिए तो अस्पताल को अपना फर्ज निभाना पड़ा। उठा के लाया इंसानियत के नाते, हमारी ड्यूटी भी है। हॉस्पिटल से हम लोगों को भेजा है भाई बैग कलेक्ट करके लाना है, अगले बंदे पे कपड़े नहीं है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मरीज के पास उसका बैग पहुंच गया जिसमें उसके कपड़े और दूसरे जरूरी सामान भरे हुए थे। अस्पताल की इस मदद के लिए वो शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा। मेरे को मेरा बैग मिल गया है जिसके लिए मैं रात 20 घंटे से वेट कर रहा था। फाइनली आई टुक अ बाथ, आई चेंज माय क्लोथ एंड एवरीथिंग। आई वुड लाइक टू थैंक टू जेम्स
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस नोएडा एंड जी मीडिया। बेसिकली अगर आज मैं जिम्स में एडमिटेड नहीं होता तो ना जो जी वॉरियर्स आज यहाँ पर कोविड 19 पॉजिटिव के पेशेंट्स हैं, मेरा उनसे इंटरेक्शन नहीं होता, और उनसे इंटरेक्शन अगर नहीं होता तो शायद वो मुझे हेल्प नहीं कर पाते। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में जिस तरह से मरीज के बैग के साथ बर्ताव किया गया वो वाकई बेहद परेशान करने वाली बात है। याद रखिए, कोरोना से लड़ाई हम उसी दिन हार जाएंगे जब मरीजों और उनके रिश्तेदारों से नफरत करने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।